नमस्कार, सातवें सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कोई पंचायत खुद को सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित पंचायत के तौर पर कैसे विकसित कर सकती है। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि आखिर सामाजिक न्याय और सुरक्षा क्यों जरूरी है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य सभी नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराना है। समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी आवश्यक है। हमारे देश में सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य लैंगिक, जातिगत, नस्लीय एवं आर्थिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों की मूलभूत अधिकारों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। सामाजिक न्याय शब्द को कमजोर, वृद्धों, दीनहीनों, महिलाओं, बच्चों और अन्य सुविधा वंचितों को संरक्षण के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत एक विषमता मूलक समाज के सर्वसमावेशी समाज के रूप में परिवर्तन में एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। वहीं सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि कोई भी वंचित या हाशिए पर खड़ा व्यक्ति पीछे न छूट जाए। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान की गारंटी देता है। इसके अंतर्गत कुशल श्रम को प्रोत्साहन, न्यूनतम जोखिम, बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्कार, बीमारी, दिव्यांगता और वृद्धावस्था जैसे आर्थिक एवं सामाजिक जोखिमों को प्रबंधित करते हुए लोगों का क्षमता वर्धन किया जाए। साथ ही गरीबी और असमानता को कम करने के लिए नई नीतियां और कार्यक्रमों का निर्धारण भी इसमें शामिल है। इन कार्यक्रमों में नगद और सेवाएं दोनों सम्मिलित हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां जीवन चक्र में गरीबी रोकने, कम करने के लिए मौलिक रूप से कार्य करने तथा गरीबी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने से रोकने में भी मदद करती हैं। पंचायतों के हस्तक्षेप के क्षेत्र कौन कौन से हैं? सभी पात्र बच्चों का आंगनवाड़ी में पंजीयन। सभी नामांकित गर्भवती या धात्री महिलाओं को आंगनवाड़ी से पोषण आहार की उपलब्धता। सभी पात्र परिवारों के पास राशन कार्ड हो और ये सभी परिवार शासकीय राशन दुकान से राशन प्राप्त करते हों। सभी पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। सभी बस्तियों में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हों। सभी पात्र लोगों के पास आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता हो। पंचायतें यह सुनिश्चित करें प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं विशेषकर राशन कार्ड की उपलब्धता हो। अति निर्धन गरीब परिवारों की पहचान के लिए ग्राम सभाएं कदम उठाएं। दिव्यांग जनों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास एवं आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता हो। ग्राम पंचायत विकास योजना में ग्राम पंचायत के लिए आपदा प्रबंधन योजना को शामिल किया जा रहा हो। ग्राम पंचायत में सभी बुनियादी ढांचों के संचालन एवं उनके रखरखाव के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा हो। सभी पात्र परिवारों की महिला सदस्यों को स्वसहायता समूहों में जुड़ने का प्रयास हो और उद्यमी कौशल के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हो। आइए हम सुनते हैं स्थानीय लोगों का इस बारे में क्या कहना है। सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय संगत पंचायत का अर्थ है कि गांव के हर एक व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक किसी भी तरह की योजना पात्रता तक का लाभ पहुंचना। साथ ही साथ कोई भी गांव में जो असहाय व्यक्ति है, निःशक्त व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, उन सबको किस तरह से एक सुरक्षित वातावरण मिले। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि गांव में किसी भी तरीके का गैर बराबरी का वातावरण निर्मित ना हो। इसके लिए ग्राम पंचायत को चाहिए कि वो एक सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक योजना बनाए। आमतौर पर देखा गया है कि पंचायतें आर्थिक विकास की योजनाएं तो बना लेती हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा के लिए ज़्यादातर प्रयास जो होते हैं वो कैसे सभी लोगों को योजनाओं का लाभ मिल जाए, यहाँ तक सीमित हो जाता है। जबकि इसके लिए चाहिए कि कैसे एक सुरक्षित वातावरण हो जिसपे महिलाएं या कोई महिलाएं, किशोरियां, निःशक्त जन, असहाय व्यक्ति, गांव का कोई भी वंचित वर्ग के व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि पंचायतें समुदाय के साथ मिलकर सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की योजनाएं बनाएं।
पंचायतें क्या करें, गरीब परिवारों की पहचान के लिए वार्ड स्तरीय बैठक करें, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना और कार्यक्रमों पर समुदाय के सदस्यों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करें, पात्र लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए गरीब परिवारों की मदद करें और उन्हें आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करें, स्वास्थ्य चिकित्सा और बीमा के महत्व पर ग्राम सभा के दौरान चर्चा करें, ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न समितियों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए आवश्यक प्रयास करें, आपदा प्रबंधन टास्क फोर्स का गठन कर उसका सुदृढ़ीकरण करें, ग्राम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति का गठन कर उनका सुदृढ़ीकरण करें, ग्राम संगठन उप समिति का गठन कर उनका सुदृढ़ीकरण करें, ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन कर उनका सुदृढ़ीकरण करें, शाला प्रबंधन समिति का गठन कर उनका भी सुदृढ़ीकरण करें, ग्राम जल स्वच्छता समिति का गठन कर उनका सुदृढ़ीकरण करें, इसके अलावा भी अन्य समितियों का गठन कर उनका सुदृढ़ीकरण करें। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी समितियां पंचायत स्तर पर बनाई गई हैं, उन्हें मजबूत करने का प्रयास करें। किसी भी पंचायत को सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित पंचायत बनाने के लिए ये सभी कार्य महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई पंचायत इस दिशा में पहल करती है तो निश्चित तौर पर वो पंचायत खुद ही सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित पंचायत के संकल्प को हासिल कर सकती है। आइए अब हम समझते हैं कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वन स्टॉप सेंटर, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए कोचिंग, मार्गदर्शन और छात्रवृत्ति, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, समेकित बाल विकास योजना, समग्र शिक्षा अभियान, वन स्टॉप सेंटर, पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित पंचायत बनाने के लिए इन योजनाओं के अलावा राज्य सरकार की योजनाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। उम्मीद है यह सत्र सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित ग्राम पंचायत के संकल्प को हासिल करने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।